नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा मधुदीप आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो सब्जेक्ट है वो है कि क्या मधुदीप आईवीएफ में सफलता नहीं मिलती है, क्या मधुदीप आईवीएफ में चीटिंग होता है और क्या पेशेंट को यहां पर वो रिपीटेडली फेल जाता है। तो मित्रों, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है उसकी जो सफलता है वो 20-24% होती है। ये सत्य हकीकत है, सबको ये स्वीकारनी चाहिए। आप नेट पर जाकर भी सर्च कर सकते हो। अब जो ये सफलता है ये वास्तविकता है। हम जब पेशेंट को समझाते हैं तो ये वास्तविकता बोल देते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन में ऐसे सोच लो कि 100% होती है तो 100% हो पाएगी, लेकिन जरूरत पड़ने पे आपको प्रयत्न बढ़ाने पड़ेंगे। आपको प्रयत्न एक बार फेल गया तो दूसरी बार करना पड़ेगा, दूसरी बार फेल गया तो तीसरी बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको 100% सफलता आपको बच्चा चाहिए वो मिल पाएगा। अब सफलता क्यों नहीं मिलती उसके कारण मैं बोलता हूं। आपको बताएगी दवाई आप टाइम पे नहीं लो, आप दवाई बीच में एक दिन छोड़ दो, आप सतत चिंता करो, आप गुस्सा करो, आप सतत ब्लेम करो, किसी को आक्षेप करो, या फिर आप जो रिपोर्ट है वो नहीं करवाओ, आपको अल्ट्रासाउंड बोला जाए तो आप नहीं कराओ, आप वीर्य की जांच शुक्राणु की जांच वो नहीं कराओ, तो डॉक्टर कैसे रिपोर्ट करवा पाएगा। तो ये बात है। दूसरी बात, आप कहीं भी द्वेष के कारण, मानसिक तकलीफ के कारण ऐसा कुछ भी लिख दो कि वहां पर तो हमको छेतरते हैं, हमको चीटिंग करते हैं, हमारे पैसे ले लेते हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकली शक्य ही नहीं है। भारत लोकशाही देश है, सबको जब पैसे देते हैं तो वो लोग सब कुछ समझ के ही देते हैं। तो पहली बात ये। दूसरी बात, 20-24% रिजल्ट के कारण 100 में से जो बाकी के है उसको निष्फलता मिलने वाली है, और कोई भी सेंटर में मिलने वाली है, ये कोई हमारे सेंटर की बात नहीं है। तो आप पहले सोचिए, समझिए, आप रजिस्टर जो है वो दे सकते हैं, आप सक्सेस रेट और जो रिजल्ट है वो भी आप उसको पूछ सकते हैं। तो ये स्पष्ट तरीके से देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको उसके पीछे लग जाना है, आपको फिर से कराना है और बच्चा लेके जाना है। दूसरी बार कराएंगे तो हम पैसे नहीं देंगे। तो मित्र, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जब भी आपका अटेम्प्ट होता है हमको भी पैसे लगाने पड़ते हैं, हम आपको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये चीज स्पष्ट है, आप किसको स्वीकार कीजिए, कहीं पर जाके हमारे यहाँ नहीं, ये देखिए कि अटेम्प्ट एक बार हुआ हो, अटेम्प्ट दो बार हुआ हो, कितनी बार हो, हर बार आपको पैसे लगते हैं। तीसरी बार, जब ताली बजाई जाती है तो एक हाथ से नहीं बजती है, जब दो हाथ से ताली बजती है तो ऐसे हिसाब से आप बोलते कि हमारे पैसे ले लिए गए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने जब 100 बार सोचा होता है, जब आपकी इच्छा होती है, आपके फैमिली की इच्छा होती है, आपने हमारे रिजल्ट देखे, तब जाके आप हमको पैसे देते हैं, हमारे यहाँ आते हैं। तो ये बात करने की हमको चीटिंग कर दिया गया, हमको लूट लिया गया, ये बात सत्य नहीं है। दूसरी बात, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में रिपीटेडली खाली खाली ऐसे लिखना है कि ये बराबर नहीं है, ये चीटिंग करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ऐसी बातें मत फैलाइए। मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जिसको तकलीफ है उसको तो आप आने दीजिए, आपको इच्छा नहीं, आपको द्वेष है, लेकिन जो खरेखर इसके लिए जरूरतमंद है उसको आप ऐसे लिख के उसका भी माइंड वॉश करते हैं। तो मेरी ये विनती है कि आप खुद आइए, आप खुद उसका जो है वो अनुभव कीजिए, आपको बराबर लगे तो आप बोलिए कि नहीं भाई हमको यह नहीं जलता है, ज्यादा है, वरना दूसरे पेशेंट के लिए आप ऐसी मनोभावना मत रखिए। तो एक ये चीज होती है। दूसरी बात, कई बार पेशेंट को तकलीफें होती है, रोग होता है, तो उसके लिए आपको अलग से खर्चना, अलग डॉक्टर के पास करना पड़ता है। तो इसका मतलब नहीं है कि इसको आप आईवीएफ में गिन लें। दूसरी बात, कई बार पेशेंट को बच्चे ट्रांसफर के दरमियान एनेस्थेसिया देना पड़ता है, तो उसके लिए एनेस्थेटिक डॉक्टर पेमेंट लेता है। तो ये सभी जगह पर ये रहता है, जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम पे पेमेंट ये एनेस्थेसिया नहीं देना होता है, तो उसके लिए पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं लगता है। लेकिन कई बार पेशेंट अपने हिसाब से बोलते हैं कि नहीं मेरे को एनेस्थेसिया लेना है, तो वो तो ऑब्वियसली है कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। पेशेंट को दवाई 15 दिन के बजाय 20 दिन के लिए ले जानी होती है, तो 5 दिन के पैसे ज्यादा लगते हैं, ये सभी को पता है। तो आप जब जाके ये बोलिए कि डॉक्टर साहब ने मेरे को इसके लिए मना किया, लेकिन मेरे को चाहिए इसके लिए, मेरे को ये पेमेंट जाना। तो ये सब चीजें हैं। और जब भी आप कोई अभिप्राय छोड़े, आपके रिव्यू छोड़े, गूगल पे छोड़े, फेसबुक के, जस्ट डायल, इंस्टाग्राम, कोई भी ऐप हो, कहीं दुनिया का कहीं पर भी हो, या आप व्हाट्सएप में बात करें, फोन पे बात करें, तब जाके पहले अपने मगज को शांत चीज से सोचिए,
कि भाई हाँ डॉक्टर साहब ने हमको इतना बोला था, हमको इतना खर्चा बोला था, ये चीज होने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि हम प्रयत्न करें तो मिल जाएगा। तो ये सोच के आप रिव्यू दीजिए, क्योंकि आपके प्रतिभाव है वो पानी में बूंद की तरह होते हैं। अगर एक भी नेगेटिविटी आ गई तो उसके कारण पूरे समाज को इसके कारण हैरान पड़ना पड़ता है। तो मेरी आपको दो हाथ जोड़ के विनती है, जो भी बोलिए सत्य बोलिए, जो वास्तविक रिजल्ट है 20 से 24 उसको स्वीकार कीजिए, दूसरे प्रयत्न के लिए पैसे देने की तैयारी रखिए, और आपने क्या अच्छा हो सकता है वो जानिए। हम लोग बच्चा देने के लिए और आप बच्चा लेने के लिए बैठे हैं, हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आपकी असुविधा के लिए अगर तकलीफ हो तो हमको बताएं, हम ट्राई करेंगे, पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी आपको मदद करेगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपको ट्रायल करनी पड़ेगी, आपको हमारे से मिलना पड़ेगा, आपको हमारे पास तपास और सारवार लेनी पड़ेगी। हम भी उसमें निष्फल जा सकते हैं, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलती है अगर आप प्रयत्न करते हैं। मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा मधुदीप आयुर्वेद टेस्टी बेबी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644। हमारा टाइमिंग है सुबह 10 से 12। हमारा जो दिन है वो सोमवार से शनिवार है, रविवार और त्योहार के दिनों छुट्टी के दिन पे अस्पताल बंद रहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।